फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीलिंग फैन सही है या जल गया है, आप इसे कैसे चेक करके पता करेंगे। फ्रेंड, जब भी आपका सीलिंग फैन चलते चलते अचानक बंद हो जाए तो आप अपने सीलिंग फैन को बिना खोले आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके सीलिंग फैन का वाइंडिंग सही है या वाइंडिंग जल गया है। फ्रेंड, कैसे आपको अपने सीलिंग फैन का वाइंडिंग चेक करना है, सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सीलिंग फैन का वाइंडिंग चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो आपका सीलिंग फैन का टर्मिनल रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपका दो टर्मिनल है और इस साइड में हमारा तीन टर्मिनल है। तो जिस साइड में हमारा दो टर्मिनल होता है इसी में हमारा फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन होता है, और जिस साइड में हमारा तीन टर्मिनल होता है इसमें क्या होता है, जो सीलिंग फैन का वाइंडिंग से वायर आता है और जो हमारा कैपेसिटर का वायर होता है वो इसी टर्मिनल में कनेक्शन होता है। आपको फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका फेस न्यूट्रल का वायर लगा होगा उसको यहाँ से खोल लेना है। खोलने के बाद फ्रेंड देखिए, अब आपको क्या करना है, जो आपका ये कैपेसिटर का दोनों वायर सीलिंग फैन के वाइंडिंग के वायर के साथ कनेक्ट है इसको भी आपको अलग अलग करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टर्मिनल को खोलेंगे, जो भी हमारा ये तीनों टर्मिनल में वायर लगा हुआ है आपको क्या करना है, इस टर्मिनल से सीलिंग फैन के वायर को निकालना है। तो यहाँ पे चलिए हम वायर को निकाल ले रहे हैं। आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप सीलिंग फैन के वायर को खोलेंगे तो आपको ये देख लेना है कि नीचे वाले टर्मिनल में हमारा कौन सा कलर का वायर लगा हुआ है और बीच में फिर कौन सा कलर है और ऊपर में कौन सा कलर लगा है, जिससे क्या होगा बाद में आपको कनेक्शन करने में आसानी होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये सीलिंग फैन का वायर रहेगा इस वायर से जो हमारा ये कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को खोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम इसको खोल ले रहे हैं। खोलने के बाद फ्रेंड देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा चार तार वाला सीलिंग फैन है। अगर आपके पास तीन तार वाला सीलिंग फैन है तो आप उस सीलिंग फैन को भी ऐसे ही चेक करके पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो हमारा ये चार तार वाला सीलिंग फैन होता है इसमें क्या होता है, रनिंग स्टार्टिंग का एक एक वायर जुड़ जाता है, तो ये क्या होता है हमारा एक वायर होता है, बाकी रनिंग का एक वायर और स्टार्टिंग का एक वायर यहाँ पे हो जाता है, तो ऐसे भी ये तीन तार है। और फ्रेंड्स क्या करना है, इस सीलिंग फैन को चेक करने के लिए आपको ऐसे एक सीरीज टेस्ट लैंप लेना है। अगर आप इस सीरीज टेस्ट लैंप को बनाना नहीं जानते तो हमने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, वीडियो आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए जो आपके घर का 220 वोल्ट का सॉकेट होगा जिसमें आप टीवी या मोबाइल चार्ज करते होंगे वहां पे आपको सीरीज को लगाना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा ये सीरीज यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका सीलिंग फैन में तीन तार है चार तार है जो भी सीलिंग फैन है उसमें से क्या करना है, आपको सीरीज के एक वायर को एक तार में लगाना है और फिर जो दूसरा वायर रहेगा उसमें आपको एक वायर लगाना है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे एक बार ब्लैक कलर में लगाएंगे, तो यहाँ भी देख सकते हैं हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे एक बार ब्लैक कलर और ब्लू कलर के वायर को चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, और फिर जब इसे हम कॉमन वायर के साथ चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नहीं ग्लो हो रहा है। मतलब जब हम कॉमन वायर में सीरीज के एक वायर को लगाते हैं तो हमारा दोनों वायर में यहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है, जो हमारा ये सीलिंग फैन का वाइंडिंग है वो यहाँ पे जल चुका है। अगर हमारा सीलिंग फैन का वाइंडिंग सही होता तो जो आपका ये तीनों वायर है ये तीनों वायर में सीरीज बल्ब ग्लो होता, मतलब जब आप कॉमन वायर से इस वायर में लगाते तो भी आपका बल्ब ग्लो होता और फिर क्या होता दूसरा जो वाइंडिंग का वायर होता उसमें भी बल्ब ग्लो होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ओनली दोनों रनिंग स्टार्टिंग के वायर में ग्लो हो रहा है, लेकिन जब हम कॉमन के साथ चेक करें तो यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा ये सीलिंग फैन का वाइंडिंग जल चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार अपने सीलिंग फैन का बॉडी भी चेक कर लेना है, कहीं आपका कॉइल बॉडी के साथ भी टच तो नहीं है। बहुत बार क्या होता है ये तीनों वायर में कंटिन्यूटी बराबर दिखाता है लेकिन हमारा पंखा क्या होता है शॉर्ट होता है। ठीक है, अब उसे आपको कैसे चेक करना है, देखिए आपको क्या करना है वाइंडिंग के एक वायर में सीरीज के एक वायर को लगाना है और यहां पे क्या करना है सीलिंग फैन के बॉडी में टच करना है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार कॉमन वायर से चेक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन वायर और सीलिंग फैन के बॉडी में यहाँ पे बल्ब फुल ग्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका कॉइल बॉडी के साथ शॉर्ट है। वहीं देखिए जब फिर यहाँ पे हम दूसरे वायर में लगा रहे हैं तो यहाँ पे नहीं ग्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारा ये कॉमन वायर है यहाँ पे देखिए पूरा शॉर्ट दिखा रहा है। तो अगर आपके पास तीन तार वाला सीलिंग फैन है तो आपको ऐसे चेक करना है, अगर चार तार वाला है जैसे हमारा चार तार वाला है तो आप चाहे तो यहाँ से इस वायर को खोल सकते हैं, दोनों वाइंडिंग के वायर को अलग अलग भी कर सकते हैं,
उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए नहीं बता रहा है, फिर यहाँ भी नहीं बता रहा है। वैसे ही क्या करना है आपको, बॉडी के साथ एक एक वायर को देखिए यहाँ टच करना है, बॉडी के साथ जल रहा है, फिर यहाँ भी देखिए हमारा थोड़ा सा ग्लो होकर बंद हो गया और फिर इसमें हमारा नहीं जल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपके सीलिंग फैन के वाइंडिंग के वायर के साथ बॉडी में बल्ब ग्लो करेगा, मतलब क्या है आपका कॉइल शॉर्ट है, अगर यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है आपका कॉइल शॉर्ट नहीं है। तो आप इस तरह से किसी भी सीलिंग फैन को चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका सीलिंग फैन का वाइंडिंग सही है या जल गया है। यहाँ पे हमारा पंखा जला हुआ है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर इस वीडियो को कहीं पे नहीं समझ पाए या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।